वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के सामने 33x53 का एक हाउस प्लान लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट करके ये बताया था कि इस साइज़ का मुझे 3 BHK का एक घर चाहिए, तो मैंने उनके हिसाब से ये बनाया, ऐसे ही नहीं बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले तो मैं यहाँ दिखाऊँगा कि यहाँ 7-8 फिट मैंने यहाँ पे छोड़ा है ऑफसेट, ताकि इनका पार्किंग हो सके, जो कि है कुछ इस तरह का। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे बरामदा है जो कि 16x6 फिट का है। यहाँ पे विंडो है कि यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे चाहे तो आप ग्रिल भी दे सकते हैं, अगर ब्रिक वर्क करेंगे तो यहाँ पे विंडो दे सकते हैं। यहाँ से फिर एंट्रेंस होने का ड्राइंग है। ड्राइंग रूम जो है 11x7x7 फिट का है। इधर एक छोटा सा पूजा रूम है जो कि 4x7 फिट का है। इधर एक छोटा सा वेंटिलेशन के लिए किचन है। इधर स्टेयर किट्स है जो कि इस तरह के वेंटिलेशन के लिए छोटा सा विंडो दिया गया है। इससे ऐसे जा कर के ऐसे है जो कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन है बिल्कुल वास्तु के साथ। और यहाँ पे जो है वो किचन है। किचन आप लोग देख सकते हैं 7x10 फिट x11 इंच का है। यहाँ पे स्टोव लगा है, यहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ पे वॉश बेसिन या वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो दिया। और यहाँ से किचन जो है ये ओपन किचन है, ठीक है। तो ये ओपन किचन है और ये यहाँ पे डाइनिंग है जिसका एरिया है 10x10 का, जो भी ओपन है, इसमें कोई पार्टीशन या वॉल नहीं है। यहाँ पे यूटिलिटी है जो कि 8x3x10 इंच, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन या फिर वॉश एरिया बना सकते हैं। यहाँ पे विंडो दिया गया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पे एक बेडरूम है जो कि 10x10 का है। डाइनिंग के 10x10 का बेडरूम है जो कि चाइल्ड बेडरूम या फिर स्टडी रूम इसको बोल सकते हैं। ये हो गया आपका विंडो और ये इससे टॉयलेट अटैच है। अगर इसको स्टडी रूम बनाते हैं, अपने चिल्ड्रन रूम या फिर स्टडी रूम बनाते हैं जो भी, तो भी अच्छा है। इस टॉयलेट का साइज़ है 6x1x3x10 इंच। और यहाँ आने के बाद एक कॉमन टॉयलेट है जिसका साइज़ है 5x6 फिट है। यहाँ पे एक बेडरूम है जिसका साइज़ है 10x12x6 इंच। यहाँ पे विंडो है और एक यहाँ पे विंडो है। इसमें पूरा तरफ से वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रख के मैंने इस प्लान को बनाया। यहाँ पे मास्टर बेडरूम है जिसका साइज़ है 11x6x12x6 इंच। यहाँ पे विंडो और यहाँ पे विंडो है। ये भी टॉयलेट से अटैच है जिसका साइज़ है 5x6 इंच। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक छोटा सा वेंटिलेटर दिया गया है, ठीक है, 2 फिट का। और यहाँ पे भी और पीछे 2 फिट ऑफसेट छोड़ा गया है और इधर भी ऑफसेट छोड़ा गया है। पाइपलाइन के लिए या फिर विंडो के लिए ये सही रहेगा। वेंटिलेशन के लिए हर तीनों तरफ से 2-2 फिट छोड़ा गया है। इधर भी दो फिट और आगे में जो है सो 7 फिट छोटा गया है, जिसमें कि कार पार्किंग एक बड़ा से एक सीओवी दो पार्क हो सकता है आराम से। और इस तरह से मैंने इस हाउस को प्लान किया गया। यहाँ पे डी या फिर डोर का साइज़ क्या है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पूरा जो साइज़ है टोटल एरिया जो है इनका 1751 स्क्वायर फिट का, और बिल्डअप एरिया है 1249 स्क्वायर फिट का। यहाँ पे डोर का साइज़ वगैरह भी मैंने दिया है 3x6x7 फिट का है। यहाँ पे प्लस माइनस डेढ़ फिट कर सकते हैं। यहाँ D1 का साइज़ है 3x7 फिट और D2 का साइज़ है 2x6x7 फिट। विंडो का बड़ा विंडो का साइज़ है 5x6 फिट और W1 का साइज़ है 4x6 फिट। W2 का साइज़ है 3x6 फिट और वेंटिलेशन का साइज़ है 2x2 फिट। इस तरह से मैंने ओपनिंग शेड्यूल भी दे रखा है इस प्लान में। और यहाँ पे सारा कुछ मैंने दिया है। यहाँ पे स्केल जो इंजीनियर बनाए हैं उनका नाम मनोरंजन कुमार, उन सब कुछ दिया गया यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा हाउस प्लान। जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट था उनके हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया। तो अगर आपको भी कोई प्लान चाहिए तो कमेंट करके हमें प्लॉट एरिया दे सकते हैं, अपना रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, उस हिसाब से मैं आपको फिर आपका जो है मैप बना कर दूंगा, नक्शा बना कर दूंगा आपका। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और हमारे
वीडियोस को देखते रहें, हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, जाके आप लोग जाके देख सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट निकाल के देखिए और जितने भी ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड किया है वो सारे जाके आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।